हेलो, मैं क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो यू नो, बेसिकली आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट सिलेबस। अगर आपने सेल्फ स्टडी कर रखा है या फिर पेड बैच से ज्वाइंट हुए होंगे कहीं पर, तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा या फिर अभी तक आपके टीचर्स ने जो जो पॉइंट नहीं पढ़ाए होंगे तो उनसे आप कम्युनिकेट कीजिएगा, बताइएगा। ये UPTGT में पूछा जाता है, तो मैं कुछ सर्टेन आपको नोट्स शेयर कर रही हूँ, मतलब नोट्स नहीं, सब इम्पॉर्टेंट सिलेबस। अगर आप मेरे पेड बैच से ज्वाइंट होंगे तो जितने भी यहाँ पे मैं कंटेंट आपको शेयर कर रही हूँ, चैप्टराइजेशन, इनके कंप्लीट नोट्स मिलेंगे PDF फॉर्म में। आप इजीली उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं और सारे पॉइंट ग्रैस्प कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्ट कंप्लीट आपको अच्छे से तैयार करना है, वेस्टर्न आर्ट तैयार करना है, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, स्थापत्य कला, आर्टिस्ट, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर आर्टिस्ट, मूर्तिकार, छापाकार और कलाकार, जितनी भी आर्ट गैलरीज हैं, आर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, ओल्ड पिराज स्कूल्स हैं रिलेटेड टू आर्ट, आर्ट एग्जिबिशंस एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ आर्टिस्ट इंडियन एंड ऑल्सो इंक्लूडेड द वेस्टर्न, भारतीय और यूरोपीय जितने भी आर्टिस्ट हैं, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, उनके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स भी याद रखने हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग एक्सेट्रा। तो इंडियन आर्ट में कौन कौन से चैप्टराइजेशन को आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट इंडियन आर्ट से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर एक यूनिट से पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना है, सभी को अच्छे से तैयार करके जाना है। लाइक इंडियन आर्ट में प्री हिस्टोरिक, अभी मैं भारतीय कला के बारे में बात कर रही हूँ, प्री हिस्टोरिक एज, देन सिंधु घाटी सभ्यता जिनको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, थर्ड वन इज वैदिक एज, गुफाओं की, वैदिक एज के बाद शुरू होता है। वैदिक एज में आप मेरे नोट्स में क्या पढ़ रहे होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जैसे रामायण महाभारत, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चित्र सूत्र हो गया और नाट्यशास्त्र, जितने भी इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ग्रंथ हैं वो सारा वैदिक एज में आप पढ़ रहे होते हैं। वैदिक एज के टू पार्ट्स होते हैं, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, ठीक है। ये यहाँ तक कवर अप करने के बाद फिर आप आगे प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं तो फिर गुफाओं की कला शुरू हो जाती है। सबसे प्राचीन गुफा होता है जोगीमारा, देन अजंता, बाघ, बादामी, सितनवासर, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा, ये सारे गुफा पढ़ने के बाद फिर आप मिडिल एज में आते हो। अभी तो गुफाओं में बहुत बड़ी बड़ी सी पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, फिर डायरेक्टली से मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत, छोटी छोटी सी पेंटिंग बनने लगी, तो वो छोटी छोटी पेंटिंग पाल और अभ्रंश स्कूल हो जाएगा। पाल और अभ्रंश स्कूल को लघु चित्र कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि मैं पाल को लघु चित्र कहा जाता है, अभ्रंश को भी कहा जाता है, लेकिन एग्जामिनर अकॉर्डिंगली ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जजमेंट करना होता है। पाल शैली में स्टार्टिंग मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हो गई और पाल शैली में पोथी चित्रण की भी शुरुआत हो गई, ठीक है। तो इन दोनों में से पाल शैली करेक्ट होगा, जब ये ऑप्शंस में नहीं होते हैं तब लघु चित्र में आप जैन को सही कर सकते हैं, ठीक है। पोथियाँ नो डाउट जैन में भी बनाई गई, इनका रिलीजियस डिफरेंट रहा था। पाल प्रॉपरली बौद्ध धर्म के महायान शाखा को डिपिक्ट करता है और जो अभ्रंश आप पढ़ते हो ये प्रॉपरली जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, जिसमें 24 तीर्थांकराज होते हैं, सबसे पहले ऋषभदेव होते हैं, अंतिम महावीर स्वामी, उसके बाद पार्श्वनाथ, इनका नीला पार्श्वनाथ सर्प है, घोड़ा किसका है, संभवनाथ का घोड़ा है संपार्श्वनाथ, उसके बाद शांतिनाथ का हिरण है, संभवनाथ का घोड़ा, संपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है, एक नेमिनाथ है, दूसरे नामिनाथ है, नेमिनाथ का शंख, नामिनाथ का नीलकमल। ये सारे पॉइंट्स अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, इनके बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लिए जाते हैं, कौन से तीर्थांकर और उनकी स्टोरीज। और इम्पॉर्टेंट आस्क ये भी है, जब आप जैन रिलीजियस पढ़ रहे होते हैं अभ्रंश स्कूल, तो अभ्रंश स्कूल का एक बहुत फेमस है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जिसमें महावीर स्वामी के लाइफ स्टाइल्स को डिपिक्ट किया गया, उनके जीवन स्मृति के कल्पसूत्र के फाउंडर पूछ लिए जाते हैं। तो एज लाइक फाउंडर कौन है, जन्मदाता जिनको कहा जाता है, भद्रबाहु कहे जाते हैं। तो ये पाल और अभ्रंश शैली के सर्टेन मैंने बेसिक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दिया, लेकिन आपको इन डेप्थ अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे नोट्स से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर आप पढ़ोगे ईरानी स्कूल, ईरानी के बाद जस्ट एंडिंग ऑफ द ईरानी, फिर मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी, पहाड़ी फिर एंड होते ही दक्कनी। देखिए तीन शैलियाँ पैरेलल चल रही थी, मुगल, राजस्थानी और दक्कनी, फिर बीच में पहाड़ी आ जाती है 17 to 19 समथिंग, एंडिंग चारों का सेम टाइम ड्यूरेशन में होता है। फिर इनके एंड ऑफ द टाइम शुरू हो जाता है कंपनी स्कूल 1943 PC मानकवाला। कंपनी स्कूल में बेसिकली ये कवर अप करने के बाद तंजौर, मैसूर, कालीघाट, छोटे छोटे से आपको इराज, उड़ीसा वगैरह को कवर अप करना होता है।
तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरे नोट्स में देखने को मिल ही गए होंगे। उसके आगे आप प्रोसेस बढ़ते हैं तो फिर आपको देखना होगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू बंगाल स्कूल, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर ए एन टैगोर कहा जाता है। 1895 से 1905 का टाइम है, 1920 सेलेक्टेड टाइम है, लेकिन 1905 से 1915 तक एज ए प्रिंसिपल इनरोल्ड हुए थे ए एन टैगोर, और यहाँ पर उपप्राचार्य बने थे 1898 में। तो ये ए एन टैगोर का बेसिक नॉलेज, यहाँ पर जितने भी बंगाल स्कूल हैं वर्स्ट टेक्निक के बारे में, जितने इन द सेंस एक ही बंगाल स्कूल, इनको पुरोत्थान काल, ठाकुर शैली और रिनेसेंस आर्ट, इन भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। ठीक है, ये सर्टेन पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही है। वर्स्ट टेक्निक के लिए बंगाल स्कूल पॉपुलर है। ए एन टैगोर, फिर इनके स्टूडेंट के बारे में आप पढ़ोगे, फिर उनके स्टूडेंट पढ़ेंगे ए एन टैगोर के, जैसे सर्टेन देव प्रसाद रॉय चौधरी एंड नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, शैलेन नाडे, के वेंकटप्पा एंड समरेंद्र नाथ गुप्त, छितेंद्र नाथ मजूमदार, ये सारे इनके फेमस फेमस आर्टिस्ट हैं, इनके स्टूडेंट। और फिर ये फेमस आर्टिस्ट पर्टिकुलर हर जगह पे स्प्रेड हो गए थे, जैसे देव प्रसाद राय चौधरी 1929 मद्रास कला विद्यालय सेकेंडरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, असित कुमार हल्दर 1925 से 45 तक लखनऊ कला विद्यालय, उसके बाद इम्पॉर्टेंट छितेंद्र नाथ मजूमदार 1942 से 64 तक अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, शैलेन नाडे 1925 जयपुर, ठीक है, राजस्थान में, सेम इसी तरह समरेंद्र नाथ गुप्त प्रथम भारतीय कहे जाएंगे, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स के फेमस कहे जाते हैं, ऐसे इनके सारे स्टूडेंट स्प्रेड हो जाते हैं इंडिया में। ठीक है, फिर इनके भी स्टूडेंट हो गए, जैसे नंदलाल बसु 1922, ये शांति निकेतन में एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे 22-23 समथिंग में। अब ये इनके स्टूडेंट पर्टिकुलर आपको देखने होंगे नंदलाल बसु के, जैसे विनोद बिहारी मुखर्जी हो गए, और एक फेमस आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट भी कहे जाते हैं, राम किंकर बैज, सुधीर रंजन खासगीर, जो ऑल्सो बिकम ए टीचर ऑफ लखनऊ कला विद्यालय। तो ऐसे ही करके आपको इनको कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर इनके आर्टिस्ट के आर्टिस्ट आर्टिस्ट आर्टिस्ट, ऐसे ही करके इंडिया में फेमस बंगाल स्कूल के जितने आर्टिस्ट हैं वो आपके कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं एवरी डेज इससे रिलेटेड क्लासेस लेती हूँ, पेड क्लासेस 6 बजे चलती हैं, तो वहाँ पे डेली डेली ही आर्टिस्ट को पढ़ाया जाता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर आप ग्रुप्स आ जाओगे, फेमस आर्टिस्ट बहुत सारे हैं बट ग्रुप को भी तो कवर करना है, ग्रुप में ही आप बहुत सारे आर्टिस्ट को पढ़ लेंगे, जैसे यंग तर्कश ग्रुप, ठीक है, 1937-39 समथिंग का यंग तर्कश ग्रुप, के बाद फिर आप कौन से ग्रुप पढ़ेंगे, सेकेंडरी कोलकाता ग्रुप जिनको कहा जाता है, बंगाल में कोलकाता ग्रुप चला था 1943-53 तक, जिसके फाउंडर प्रदोष दास गुप्ता कहे जाते हैं। इनके बाद आप पैग ग्रुप 1947-48 समथिंग टाइम ड्यूरेशन, फ्रांसिस न्यूटन सुजैन के फाउंडर कहे जाते हैं। देन थर्ड वन इज दिल्ली शिल्पी चक्र, आप पढ़ोगे 1949 बीसी सान्याल, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली शिल्पी चक्र। सेम ऐसे ही ग्रुप 1819 जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1962 फर्स्ट एंड द लास्ट एग्जीबिशन कब लगी थी 1963 में, तो इनके फाउंडर कहे जाते हैं ग्रुप 1819 के 1890 के जे स्वामीनाथन। इसी तरह प्रिंट मेकिंग का एक ग्रुप आप प्रिंट मेकिंग में जाके कवर अप करेंगे, जो मेरा नोट्स है प्रिंट मेकिंग का वहाँ पे मैंने ग्रुप 8 के बारे में डिस्क्राइब किया है। ग्रुप 8 बेसिकली किसको कैप्चर करता है, ये 8 आर्टिस्ट हैं वो भी छापाकार थे, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1967 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में, इसके फाउंडर कहे जाते हैं जगदीश स्वामीनाथन। इस तरह से ही जितने भी छोटे छोटे से ग्रुप हैं, जैसे 1952 का एक ग्रुप कहा जाता है जो बहुत फेमस रहा था मुंबई का, जिसके फाउंडर के हैबर्ट थे, ठीक है, ऐसे ही सारे ग्रुप्स, उन ग्रुप्स में जितने भी फेमस फेमस आर्टिस्ट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इन सभी को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, तो ग्रुप के अंदर अगर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बिल्कुल इन डेप्थ आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ेंगे, तो जो मैंने आपको नोट्स दिया है उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज रिकॉल करके रिविजन कर लें। आई थिंक यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है, ये तो जस्ट ओनली इंडियन आर्ट के बेसिक इन्फॉर्मेशन हुए हैं, अब सेम मैं वेस्टर्न आर्ट की तरफ आपको ले चलती हूँ। वेस्टर्न आर्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले प्री हिस्टोरी के, सेकेंडरी वन थिंग इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, ग्रेट मायसीनिया, फिर ग्रीक और रोमन। ग्रीक रोमन कवर अप करते ही मिडल एज मध्यकाल शुरू हो जाता है, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, अर्ली कृष्णाटिक, बाइजेंटाइन, रोमनस्क एंड गॉथिक। एंड ऑफ द गॉथिक फिर आप किस इराज को फोकस करोगे,
रिनेसेंस आर्ट पर्टिकुलर 14 to 16 बैक सेंचुरी टाइमलाइन है, जिनके 3 पार्ट्स होते हैं, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा एंड पोस्ट रेनेसा. अर्ली रेनेसा में आप किस भी इस पर फोकस्ड करेंगे तो इसको भी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था, वेनिस के आर्टिस्ट और फ्लोरेंस के आर्टिस्ट. फ्लोरेंस के 13-13 कलाकार पढ़ने हैं, वेनिस के 3-4 कलाकार देखने हैं आपको. फिर हाई रेनेसेंस के भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, वेनिस एंड फ्लोरेंस. फ्लोरेंस के 3 कलाकार हैं, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो एंड राफेल. उसके बाद सेम वेनिस के कलाकार पर्टिकुलर 4 कहे जाते हैं, जॉर्जियानो, टिशियन, कैरावेजियो, लोरेंजो टेलो. यहाँ तक आप पढ़ोगे. फिर आपका हाई रेनेसा आता है, जिनको इंग्लिश में मैनरिज्म कहते हैं और हिंदी में इनको रीतिवाद कहा जाता है. रीतिवाद 1530 से 1580 का कॉन्स्टो पोस्टो मतलब मूवमेंटेबल लहराती बलखाती जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट वाले फिगरेटिव फॉर्म्स को यहाँ पे कैप्चर किया गया था. इनकी अगर आर्टिस्ट के बारे में बात किया जाए तो कौन कौन से थे, राफेल के ही स्टूडेंट थे जो इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाए थे, जूलिया रोमानो, पार्मेजियानो, रोसेप गोलो, अंकोबोर्डिया. इनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा. फिर आपका एंड ऑफ दी हाई रेनेसेंस, जिनको रीतिवाद कहा जाएगा. फिर आपका बरूक आर्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है. बरूक कला में पर्टिकुलर अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1600 to 1750 टाइम ड्यूरेशन. फाउंडर ऑफ दिस आर्ट मूवमेंट माइकल एंजेलो दी कैरावेजियो, इनका पूरा नाम है, जस्ट ओनली कैरावेजियो के नाम से भी पूछ लिया जाता है. और आर्टिस्ट के बारे में बात किया जाए कौन कौन से फेमस आर्टिस्ट हैं इस टाइम ड्यूरेशन के, तो देखिए एक तो आपको याद हो गया, क्या नाम था इनका, माइकल एंजेलो दी कैरावेजियो. दूसरा आपको पढ़ना होगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राफेल. तीसरा पीटर पॉल रबिन्स. यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर आप प्रोसेस आगे बढ़ोगे. फिर आपको रोकोको एंड ऑफ द बरूक, बरूक में कैसे काम हुआ था. यहाँ के एक बरूक स्कल्पचर आर्टिस्ट को आपको याद रखना है, बर्नीनी को. यहाँ पर रियलिस्टिक फॉर्म बेसिकली इन्होंने भ्रम पैदा किया. सपोज कीजिए ये वॉल है तो वॉल को वास्तविकता से ज़्यादा ऊंचा विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड शेड ऐसा कैप्चर्स किए थे. मूर्तियाँ ऐसे बनाई जाती है जैसे लगता था कि वैक्स की मूर्ति बनाई गई है, एज लाइक मार्बल की मूर्ति में इस तरह का इंप्रेशन शो किया जाता था. यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको रोकोको के बारे में देखना है, 18th century वाला. रॉबर्ट डी कोटी, जैम मैरी ऑन्टोनोई ने इसका एस्टैब्लिश किए थे. रोकोको में क्या फोकस करना है, तो रोकोको में बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स ये ध्यान रखना है, रोकोको आर्ट मूवमेंट में वास्तविकता से ऊंची ना होकर के मतलब यहाँ पे छोटे व आरामदायक भवन बनाए गए थे और बहुत ज़्यादा गार्डनिंग की गई थी. और यहीं पे सेरेमिक्स का भी बहुत सारा वर्क देखने को मिलता है, सेरेमिक के स्कल्पचर्स हो गए, पॉटरीज हो गई. ठीक है, यहाँ तक आप कवर अप करेंगे. फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या पढ़ना होगा, 1850 की कला में जो 4 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है न्योक्लासिज्म, नौशास्त्रीयतावाद, रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद, रियलिज्म, यथार्थवाद, इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद. न्योक्लासिज्म 1780 से 1830 तक, जिसके फाउंडर डेविड कहे जाते हैं, प्रणेता विंकलमैन थे. 1784 की पहली पेंटिंग कही जाती है, ओथ ऑफ फोरासी. उसके बाद ये फ्रांस में ये चारों आर्ट मूवमेंट डेवलप्ड हुए थे. तो ये अच्छी बात ये है कि मैं 4 को इकट्ठे आपको बता दी कि ये 4 आर्ट मूवमेंट साथ में ही डेवलप्ड हुए थे. अर्ली कृष्णाटिक, बाइजेंटाइन, रोमनेस का गौथिक, वो तो मिडल में आप पढ़ रहे थे, और यहाँ पर 1850 के बाद पढ़ रहे हैं नौशास्त्रीयता व न्योक्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म. फिर इसी तरह रियलिज्म आर्ट मूवमेंट के रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट जो चला है वो 1800 से 1890 तक चला है. इसके फाउंडर कहे जाते हैं देलाग्रा, लेकिन इसकी पहली पेंटिंग 1890 की कौन सी थी, 1819 की पहली पेंटिंग कही जाती है राफ्ट ऑफ द मेडोसा, बनाया गया था जेरिकॉल्ड के द्वारा. कब बनाया गया था, 1819 में. चला कब तक था, 1890 तक. और उसके बाद प्रणेता ज्या जॉक रूसो कहे जाएंगे. इसके प्रोसेस आगे बढ़ोगे तो फिर आपको पढ़ना होगा रियलिज्म आर्ट मूवमेंट, जिनको यथार्थवाद कहा जाता है. फाउंडर थे ग्यूस्टो कॉर्बेट. ये 1850 से 1900 तक चला था. ठीक है, और डोमिनिक यहाँ पे जैसे आप पढ़ रहे होंगे ना, ग्यूस्टो कॉर्बेट हिंदी में गुस्ताव कुर्बे कहा जाता है. गुस्ताव कुर्बे के बाद आप डोमिए के बारे में भी देखेंगे, उनको व्यंग्य चित्रकार कहा जाता है. इसी टाइम ड्यूरेशन के आर्टिस्ट हैं. सेम और प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा. इम्प्रेशनिज्म जो चला था 1870 से लेकर के 1870 to 1890 के फाउंडर कहे जाते हैं क्लाउड मोनेट. अदर आर्टिस्ट हैं मैंने मोने, डिगास, नॉस, इसलिए पिसायो, बर्थ मरीसा, फीमेल आर्टिस्ट बर्थ मरीसा, मैरी कसार्ड,
यहाँ तक कवर अप करने के बाद फिर न्यू इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, फेविज्म, फ्यूचरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, दादाइज्म, ऑप आर्ट, पॉप आर्ट, बताने को तो वेस्टर्न आर्ट में सब कुछ बता दूंगी, लेकिन एक वेस्टर्न आर्ट से भी अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इराज को पढ़ना है, क्या क्या यूपी टीजीटी में पूछा जाता है या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भाई नेट के लिए तो आपको यहाँ तक पढ़ना होगा। सपोज कीजिए अगर आप नेट है तो नेट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ तक आपको पढ़ना होगा यहाँ तक, और यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट इतना है। यूपी टीजीटी में बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। और प्रोसेस जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, कंप्लीट वेस्टर्न आर्ट के बाद आप मूर्ति कला पढ़ोगे, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, चोल, सेन, चंदेल, पाल, उसके बाद ये सारा कवर अप करने के बाद फिर मूर्तिकार, छापाकार और कलाकार, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखनी होंगी। फिर जितनी भी इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर आर्ट गैलरीज हैं, आर्ट म्यूजियम्स हैं, आर्ट हब्स हैं, आर्ट मार्केटिंग्स हैं, इनके बारे में आपको देखना होगा, आर्ट फेयर्स के बारे में। और एंड ऑफ द टाइम ड्यूरेशन आपको एक चीज़ और फोकस्ड करना होगा, जितनी भी आर्ट गैलरीज वगैरह सब कुछ पढ़ ली है, अब नीलामी घर, वर्ल्ड लेवल से नीलामी घर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक पेज का मेरा नोट्स है, उनको आप अच्छे से तैयार कर लिए, यूट्यूब पर मैंने एक शॉर्ट्स भी शेयर किए थे। यहाँ तक सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद फिर आपको और क्या क्या पढ़ना होगा, जस्ट एंड इतना ही सफिशियंट है। अगर आप इतना भी कवर करके जा रहे हैं, मटेरियल्स, मेथड्स एंड मटेरियल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स, इनके बारे में भी आपको इन डेप्थ देखना होगा, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रही है कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर आप अभी तक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़े हुए हैं तो बेनिफिशियल आपके लिए यही होगा कि कम टाइम ड्यूरेशन में अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप कितने ही मटेरियल्स इकट्ठा करेंगे, कितनी बुक्स पढ़ेंगे। कोचिंग ज्वाइन करने से ये बेनिफिट्स होता है, टू द पॉइंट आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे। तो बहुत सारे कोचिंग्स हैं जहाँ पर भी आपको यूट्यूब चैनल पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती, जिस भी चैनल का आपको वीडियोस अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ बेसिकली मेरा आप देखें, मेरा ये कहने का मतलब है जहां से आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, जिस टीचर के कंसेप्ट आपको समझ आ जाए, मेन तो कंसेप्ट होता है पढ़ाने को, तो सब सारे ही टीचर पढ़ाते हैं, कौन सा टीचर आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, कौन सा टीचर आपको इन डेप्थ और ऐसे तरीके से इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि आपको क्लास के ड्यूरेशन में सारे ए टू जेड पॉइंट्स लर्न हो जाता है, उन टीचर्स को आप फॉलो कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और आफ्टर एंड ऑफ द वीडियोस होप सो कि मेरे इस वीडियो से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि किस तरह से आपको तैयारी रखनी है, कैसे आपको स्ट्रांगली स्ट्रांग करना है। और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है अब उनको क्या करना है, उनको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाना है एवरी डेज, आपको यूनिट वाइज उठाना है। सपोज करें टॉपिक वाइज आप मॉक टेस्ट लगाइए, टॉपिक वाइज के साथ साथ डेली 125 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक वाइज में भी मैंने सारे पॉइंट्स आपको शेयर कर रखे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट डेली होता है, अगर आप मेरे पेड बैच से ज्वाइंट होंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 3 मॉक टेस्ट मिलेगा, 125 मॉर्निंग में, आफ्टर इवनिंग में आर्टिस्ट से रिलेटेड, एंड ऑफ द नाइट टाइम ड्यूरेशन 8 PM पर टॉपिक वाइज MCQs क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर मेरे साथ कम्युनिकेट करने के बाद तैयारी के साथ ही साथ पूरे नोट्स, लाइव क्लासेस, उसके बाद आपके MCQs क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, ओके। अगर आप बिकम ए परफेक्ट फ्यूचर आर्ट टीचर बनना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी 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 नहीं, थ्योरी के साथ आप प्रैक्टिकल बेस्ड अपने आप को इन्हेंस कीजिए, फंडामेंटल्स को अच्छे से समझिए, षडांग को अच्छे से समझिए, तभी आप एक अच्छे और परफेक्ट टीचर बनेंगे। सिलेक्शन तो डेफिनेटली आपको हो ही जाना है, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे होंगे, जहां से भी मटेरियल इकट्ठा कर रहे होंगे, होप सो सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद आपका मेन टारगेट होना चाहिए बिकम ए परफेक्ट टीचर इन द फील्ड ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट्स स्पेशली। अगर आप ड्रॉइंग टीचर बनना चाहते हैं, भले आपकी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है, तो मेरा एक और चैनल है विजुअल एस्थेटिक आर्ट बाय ज़ैनब, वहां पर बेसिकली मैं पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन देखती हूँ। फ्यूचर में जब आप टीचर बन जाओगे तो मेरे उस चैनल को जरूर फॉलो करना, वहां पर मैं डेली आपके टॉपिक वाइज आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे होंगे, किस तरह से उनके फंडामेंटल्स को कम्युनिकेट करेंगे, उनके बारे में एक अलग से वीडियोस डेली मेरे उस चैनल पर आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एक प्यार सा फीडबैक जरूर दीजिएगा मोटिवेशनल कि आपको सारे पॉइंट्स इजिली इनहेंस समझ आए कि नहीं आए। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड बिकम ए परफेक्ट ड्रॉइंग टीचर।